हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, सब लोग कैसे हैं भैया आप? हाँ भाई बेटा, सृष्टि, नशाद, श्वेता, रुचि, लॉर्ड कृष्णा, लवर, प्रियांश, चिराग, वेदिका, अमर। बेटा सारे बच्चे कंफर्म कर दो एक बार, आवाज आप तक ठीक से आ रही है? बढ़िया भाई, बेटा हम भी एकदम ठीक ठाक हैं, बढ़िया, सब कुशल मंगल, मजे ही मजे। तो दोस्तों, रीजनिंग के आपके, सॉरी, रीजनिंग दिमाग में आ रहा है, रीजनिंग का आपका नया बैच शुरू हो रहा है अभी 25 तारीख यानी परसों से। बेटा आपको ध्यान होगा, रीजनिंग का आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा परसों से। परसों से हम रीजनिंग की नई बातों को समझेंगे बेटा। पार्ट 1 को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स होगा पार्ट 1 से, ठीक है? और इस वाले बैच में आप लोगों ने मैथ्स के 2 टॉपिक पूरे कर लिए बच्चों। एक आपने पूरा किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक टॉपिक आप लोगों ने उसको पूरा कर लिया जिसका नाम था मिक्सचर। इन दोनों टॉपिक्स के आप लोगों को बेसिक वाली अंडरस्टैंडिंग, बेसिक वाला कंसेप्ट दोस्तों समझ में आ गया कि कैसे बातें बनती हैं, किस प्रकार चीजें आपको ट्राई करनी है और किस प्रकार उन्हें सॉल्व करना है। ये सब बातें, सारे पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हैं। तो बच्चों आज के सेशन में, आज की क्लास में हम आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो नया टॉपिक है इसका नाम है जी बेटा गौतम गांधी। बेटा उसका डाउट बेटा बाद में कर लेना प्लीज। भाई देखो, जितने बेटा मैंने आपको सवाल करवाए हैं ना, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, जितने मैंने आपको सवाल करवाए हैं बेटा, उतने ये मान के चलो मोर देन सफिशियंट है भाई साहब, उतने ये मान के चलो मोर देन सफिशियंट है। और उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया ना बेटा, तो उनमें कोई आपका डाउट बचेगा नहीं, उनमें कोई आपकी बात बचेगी नहीं बेटा। उस हर प्रकार के सवाल को कर पाओगे, हर प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बस हमारी उन क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, उन सेशन को बहुत तरीके से समझ लीजिएगा। मेरे भाई अर्थमेटिक भी करवाएंगे, एडवांस भी करवाएंगे बेटा, काम तो पूरे करवाएंगे ना बेटा, आधे काम पे कैसे काम चल पाएगा? अरे बोलो बोलो भैया, सब बच्चे आवाज ठीक से आ रही है? सब बच्चे पढ़ने के लिए दोस्तों, जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं ना, जिस टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन, एलिगेशन एक्चुअल में ना एक टॉपिक नहीं है, दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ कंसेप्ट। ये एक एक मान लो थ्योरी है जो आपने अगर समझी तो ये हर एक टॉपिक में काम करेगी जी, हर एक टॉपिक में काम करेगी। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इस बात को समझूंगा बताऊंगा ना, तो आज की क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं, चाहे मैं SI CI पढ़ रहा हूं, चाहे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहा हूं, सारी बातें आपकी इस वाली क्लास से कनेक्ट होंगी। इस क्लास के कंसेप्ट आगे सब जगह काम आएंगे। बच्चों मिक्सर का कोई डाउट होगा ना तो लास्ट में करवाना ना भाई, 1.5 घंटा पहले आप पढ़ लो और लास्ट में 3:30 के बाद में कोई डाउट ले लेना किसी का, अगर होगा मिक्सचर का तो करवा देंगे। वैसे अगर आपने रेशो और मिक्सचर की मेरी सारी क्लास पढ़ी है ना, तो आपको डाउट नहीं आ सकता भाई साहब, आपको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है भाई? हाँ भाई, हाँ भाई, तुम्हारी ब्राउन हैट मेरे पास आ गई, धन्यवाद उसके लिए। सबसे पहले आप मेरा कंसेप्ट समझो, आप मेरी बात को समझो, ठीक? क्या बात है, क्या पॉइंट है, क्या लॉजिक है, क्या बात है, सारी बातें समझिएगा। फेवरेट कलर आप जो भी हैट दोगे बेटा वो फेवरेट ही है, कोई बात नहीं अच्छी था देना। सुनो प्यारे बच्चों, एक स्टोरी की बात सुनो। तुम एक बार मार्केट में चावल लेने गए, तुम एक बार मार्केट में चावल लेने गए, आपने कहा भैया चावल क्या रेट है? दुकानदार ने कहा जी 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल है।
आपने कहा ठीक है भाई साहब, ये वाले चावल मेरे को एक्स किलोग्राम तोल दो, एक्स किलोग्राम। ठीक है भाई, समझिएगा, 40 रुपए किलोग्राम के चावल थे और आपने कहा भाई साहब एक्स किलोग्राम चावल तोल दो, दुकानदार ने तोल दिए। फिर आपने देखा कि दुकान पर एक चावल की वैरायटी और पड़ी थी, आपने कहा भाई साहब वो जो चावल पड़े हैं डब्बे में उनका रेट क्या है, तो दुकानदार कहता है वो 90 रुपए प्रति केजी हैं, वो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, वो इंडिया गेट के चावल हैं, वो 90 रुपए प्रति केजी हैं। तो आपने कहा एक काम करो भाई साहब, आप मुझे वाई किलोग्राम चावल ये भी तोल दो। ठीक है भाई, 40 रुपए के हिसाब से तुमने जो चावल लिए वो थे एक्स किलोग्राम, 90 रुपए के हिसाब से आपने जो चावल लिए ना बेटा वो है आपके वाई किलोग्राम। ठीक है, अब तुमने जब टोटल क्वांटिटी देखी, टोटल तुमने खर्चा देखा, तो तुमको ये पता लग गया कि मेरी जो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट है ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है। ध्यान दीजिएगा, आपने ये देखा कि कुछ चावल तो आपने लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, कुछ चावल लिए आपने 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। दोस्तों मिक्सचर जो टोटल तुमने देख लिया ना, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की आ रही है, वो 60 रुपए प्रति केजी की आ रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो 60 रुपए है ना, इसको मैं बोलता हूं मीन वैल्यू, इसको मैं क्या बोलता हूं मीन वैल्यू। देखो दोस्तों ये बात तो अब कॉमन सेंस की है, ये बात तो मेरी कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर मैंने कुछ चावल लिए हैं 40 वाले, कुछ चावल लिए हैं 90 वाले, तो जो मेरा ग्रॉस रेट पड़ेगा क्या इन दोनों के बीच में पड़ेगा, क्या इन दोनों के बीच में पड़ेगा कि 40 से तो ज्यादा पड़ेगा और 90 से कम पड़ेगा, है ना। मैंने कुछ चावल लिए 40 वाले, कुछ चावल लिए 90 वाले, तो मेरा जो मेन वैल्यू आएगी ना वो 40 और 60 के कहीं ना कहीं बीच में। अब दोस्तों आप एक बात समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूं एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा। तुमने 40 रुपए वाले एक्स किलोग्राम चावल लिए हैं, एक्स किलोग्राम, तो क्या आप मुझे बताओ तुम्हारा खर्चा 40x हो गया क्या, क्या तुम्हारा खर्चा 40x हो गया क्या भाई? 1 किलोग्राम लिए तो 40 रुपए, 2 किलोग्राम के 80, 3 किलो 120, तो एक्स किलोग्राम के इतने रुपए। और 90 रुपए वाले तुमने चावल लिए हैं वाई किलोग्राम, तो इनका खर्चा 90y हो गया क्या? 90y। बिल्कुल प्यार से सिखा रहा हूं तुम्हें कंसेप्ट, ताकि कंसेप्ट पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक, एवरेज रेट आपको पड़ रहा है 60 रुपए का, लेकिन दोस्तों इस समय क्वांटिटी कितनी है? एक्स प्लस वाई है, कि टोटल क्वांटिटी का जो रेट है ना, टोटल एक्स प्लस वाई केजी का जो रेट है ना, वो तुम्हें 60 रुपए पड़ रहा है। क्या आ गई बात समझ में? टोटल क्वांटिटी का रेट क्या पड़ रहा है? 60 रुपए। तो क्या दोनों खर्चे आपस में इक्वल आएंगे? आपने कहा हाँ। थोड़ा सा मैं इस बात को अगर सॉल्व करता हूं, देखो बच्चों क्या बनेगा, 40x प्लस 90y बराबर है 60x प्लस 60y। कोई दिक्कत नहीं है सर, x वाले ले जाओ एक तरफ, y वाले ले जाओ एक तरफ, तो बच्चों ये बनेगा क्या, 90y माइनस 60y बराबर 60x माइनस 40x। आपने कहा हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। दोस्तों इनमें से y कॉमन आ गया, अंदर बन गया 90 माइनस 60, इनमें से x कॉमन आ गया, अंदर बन गया 60 माइनस 40। तो अगर मैं आपसे x और y का अनुपात पूछूं, x और y का अनुपात पूछूं, तो आप ये कहोगे क्या, 90 माइनस 60 बटे 60 माइनस 40। अगर मैं तुमको x और y का रेशियो पूछूं, तो क्या आप 90 माइनस 60 बाई 60 माइनस 40 बताओगे क्या? ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ऐसे लिखकर बताया है, इस प्रकार इनको चेक करते।
अब पेपर में हमें ये सारा काम ना करना पड़े, पेपर में हमें बार बार ये बात ना करनी पड़े, तो हमने आपको समझाया कि देखो बेटा 40 किलोग्राम के तुमने चावल लिए एक्स किलोग्राम, 90 रुपए वाले तुमने चावल लिए वाई किलोग्राम, टोटल रेट पड़ गया 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो एक्स और वाई का रेशियो है ना, जो इनकी क्वांटिटी, जो इनकी मात्रा का रेशो है ना, मात्रा का रेशो बेटा वो कैसे आएगा, आप इन दोनों का अंतर लीजिए, आप 90 और 60 का अंतर लीजिए ये, और इनका जो गैप आएगा यानी 60 और 40 का अंतर लीजिए, क्या बच्चों देखो यही तो है, इधर 90 माइनस 60 था मतलब इनका अंतर, और ये इनका अंतर आ गया, यानी मैं कह सकता हूं 30:20, मैं ये कह सकता हूं 3:2, मतलब हमने जो ये वाले चावल है ना ये 3:2 में मिक्स किए होंगे। गरम डाल, थोड़ा डाल। तो बेटा हमने आपको ये बताया 3:2 में मिलेगा। एक बार मैं इस बात को फिर साबित कर रहा हूं, देख लो, तुमने 40 किलोग्राम वाले चावल अगर 3 किलो लिए होते तो क्या 120 रुपए खर्चा आता? हाँ। 90 वाले चावल तुमने 2 किलो लिए होते तो क्या 180 रुपए खर्चा आता? हाँ। दोस्तों टोटल चावल तुम्हारे पास आ गए 5 किलो, तो आपने कहा जी 300 रुपए के 5 किलो आ गए, तो एवरेज रेट क्या आ गया? 60 रुपए। देखो बात आपकी साबित हो रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को बोलते हैं एलिगेशन, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम एलिगेशन। अब फिर से तुम इस बात को समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूं सीधी सी बात। आप एक बार मार्केट में गए, आपने कहा जी चाय पत्ती क्या रेट है, दुकानदार ने कहा जी ये वाली चाय 70 रुपए पर केजी है, एक प्रकार की चाय और थी उसका रेट था 120 रुपए पर केजी, आपने दुकानदार को बोला कि मेरे को ये वाली चाय एक्स किलोग्राम दे दो, ये वाली चाय वाई किलोग्राम दे दो, मीन वैल्यू आपका जो एवरेज रेट है ना वो 100 रुपए पर केजी होना चाहिए। दोस्तों सवाल हमारा ये बनता है कि बताओ एक्स और वाई का अनुपात क्या है, तो आप ये कह सकते हो ना इनका अंतर 20। अरे इस 100 सवाल में गिवन आएगा भाई, 100 सवाल में गिवन आएगा, और इनका अंतर है 30। 2:3 में आपने मिलाया होगा, 2:3 में आपने मिलाया होगा कि ये वाली चाय अगर 2 किलोग्राम मिलाई, ये वाली चाय आपको 3 किलोग्राम मिलाकर देंगे, तभी ये अनुपात बन पाएगा, तभी ये मेन रेट बन पाएगा। क्या ये बात, ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या इस बात पे आपका दिमाग काम कर रहा है? अब अगर मान लो वो तुमको सवाल में कह दे कि भैया 70 रुपए वाली चाय, 70 रुपए वाली चाय 100 किलोग्राम थी, तो आप बताओ ये वाली चाय कितनी थी? तो जब रेशो आ गया तो कोई भी बात चेक कर लो, 100 अगर 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 150 तो आ गई। तो मतलब रेशो ज्ञात करना ही बड़ी बात है, रेशो अगर हमने ज्ञात कर लिया तो उसके बाद सवाल में आगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसके बाद आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक बात को फिर से समझो, मैंने तुमको कहा भैया कि एक बार दूध लेके आते हैं मार्केट से, दूध इस दूध का रेट है 12 रुपए पर लीटर और एक दूध है 20 रुपए पर लीटर। मैंने आपको पूछा कि बताओ दोस्तों इनको किस अनुपात में मिलाऊं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि एवरेज रेट जो है ना, एवरेज रेट है वो 15 रुपए पर लीटर का निकल कर आए, 15 रुपए पर लीटर का निकल कर आए। क्या दोस्तों आप ये समझ जाओगे क्या कि सर आप इनको ना 5:3 में मिलाइए, 5:3 में मिलाइए, 5:3 में मिलाइए, 5:3 में मिलाइए। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? और ये जो रेशो आया है ना, ये रेशो आया है जी मात्रा का,
ये रेशो आया है क्वांटिटी का, ये रेशो आया है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का कैसे, सुनो मेरी बात, ये 12 रुपए प्रति लीटर है, प्रति लीटर ये 12 रुपए, 20 रुपए प्रति लीटर है। तो लीटर का रेशो आता है, ये मात्रा का रेशो आता है। जैसे दोस्तों मैं आपको ये कहता हूं कि एक आदमी की चाल है कुछ एक्स मीटर पर सेकंड, यहां भी कोई चाल है मीटर पर सेकंड, यहां भी चाल है मीटर पर सेकंड। अब जो आप एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशो बनेगा क्या वो इनके टाइम का बनेगा क्या, टाइम का कैसे, मीटर प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड, तो सेकंड मतलब टाइम है, टाइम। ये रेशो इनके टाइम का बनेगा, ये रेशो इनके समय का बनेगा। जैसे मैंने आपको एक वस्तु बेची, मैंने कहा जी मैंने X% का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट। तो बच्चों ये प्रॉफिट लॉस बताओ काउंट किस पे होते हैं, प्रॉफिट लॉस काउंट किस पे होते हैं, और इस पर आपने कुछ परसेंट का प्रॉफिट कमाया, ऑल ओवर तुमको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। अब जब सारी बात को हमने मैच किया तो हमको ये बात समझ में आई कि एलिगेशन जो आएगा वो सीपी का आएगा, ये रेशो जो बनेगा ना वो कॉस्ट प्राइस का बनेगा। ये बातें धीमे धीमे आगे आगे आपको और समझ में आ जाएंगी। बच्चों प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो होता है इतने रुपए बटा सीपी। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है बच्चों, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किए जाते हैं। फिलहाल इन बातों पे आप कंफ्यूज ना होवें, ये सारी बातें आपकी आगे आगे बहुत बढ़िया क्लियर होंगी। फिलहाल आप मुझे बता दो कि आपको ये वाली बात समझ में आई क्या, मतलब ये घटाने वाला पॉइंट समझ में आया क्या। आ गया समझ में? चलिए अब मैं आपको तीन चार अलग अलग बातें सिखा रहा हूं। पहला है मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर वन क्या है, आपको यह कहा गया कि तुमने मार्केट से कोई वस्तु खरीदी, ये 90 रुपए प्रति किलोग्राम है, तुमने एक वस्तु और खरीदी ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि मीन वैल्यू इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आती है, मीन वैल्यू इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आती है। मैंने मान लिया आपको रेट मिल गया 75 रुपए पर केजी मीन वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब आप तुरंत बिना किसी की हेल्प लिए ये ज्ञात कर सकते हो कि सर ये तो 5 बनेगा और ये सर 15 बनेगा, तो इनका अनुपात बनेगा 1:3 बनेगा। अब एग्जामिनर तुमको ये कह दे कि सर ये वाली मात्रा 20 केजी थी, तो आप बता पाओगे ये वाली मात्रा 60 केजी आएगी, मतलब कहने का ये है कि जब 1:3 बन गया, अब चाहे वो तुमको 1 की वैल्यू दे दे, चाहे वो तुमको 3 की वैल्यू बता दे, चाहे वो आपको डिफरेंस बता दे, चाहे वो आपको इनका जोड़ बता दे, आप सारी बातें चेक कर सकते हो भाई, आप हर एक बात को चेक कर सकते हो ना। एक बात को और समझ लो, मैं नहीं चाह रहा कि कंफ्यूजन हो, ये कहानी बहुत जरूरी है। आपकी क्लास में कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ छोरे हैं, कुछ छोरियां हैं। लड़कों का मैंने एवरेज वेट किया ना, एवरेज वेट, तो वो आया 74 केजी पर बॉय, 74 केजी एक लड़के का है, 74 केजी पर बॉय का स्टूडेंट, पर बॉय का वेट है। और गर्ल्स का वेट किया तो वो आया 62 केजी पर गर्ल, ठीक है जी। भार बोला अपन ने, लड़कों का भार एवरेज आ रहा है 74 किलो, लड़कियों का भार एवरेज आ रहा है 62 किलो। दोस्तों तो पूरी क्लास में अगर बात करी ना तो एवरेज वेट बैठ रहा है 70 केजी। आप मुझे इतना बता पाएंगे, आप मुझे इतना बता पाएंगे कि इनका अंतर 8 है, इनका अंतर 4 है। दोस्तों क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स है ना, ये 2:1 में है।
तुमको एग्जामिनर ये बताएगा कि भाई साहब पूरी क्लास में टोटल बॉयज टोटल लड़के स्टूडेंट हैं 210 हैं, तो इनमें से आप मुझे बता दो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो आप कहना जी 140 तो लड़के हैं और 70 लड़कियां हैं। किसी को इतनी बात में कोई समस्या, किसी को इतनी बात में कोई डाउट, किसी को इतनी बात में कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। तीसरी बात एक और समझें। अरे बॉय 40 140 आएंगे बेटा, 140 आएंगे बॉयज। स्टेप नंबर तीन स्टेप में चलेंगे कहानी को, तीन स्टेप में एलिगेशन क्लियर। मैंने आपको यह बताया कि क्लास में बॉयज है ना, बॉयज ये इनका मैंने एवरेज वेट किया, एवरेज वेट तो 74 kg पर बॉय आ गया। क्लियर। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है मेरे को पता नहीं है भाई साहब, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है हमें पता ही नहीं है, आई हैव नो आइडिया। पूरी क्लास का एवरेज वेट अगर देखा जाए ना तो 65 kg आ रहा है जी, 65 kg आ रहा है। दोस्तों कंसेप्ट समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। पूरी क्लास का एवरेज वेट है ना वो 65 kg है, वो 65 kg है। आपको ये मेरी बात ठीक ठाक समझ में आ रही है? और आपको ये बताया कि भैया क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है ना ये 5:3 है। अब की बार उसने पता है सवाल में चेंज क्या किया बच्चों, अब तक के सवालों में मैं आपको रेशो पूछ रहा था, अब रेशो तो बता दिया, इस चीज को गायब कर दिया। तो सवाल ये है क्या हम इन गर्ल्स तक पहुंच सकते हैं, इन गर्ल्स का वेट ज्ञात कर सकते हैं? तो हां, गौर कीजिए, 74 और 65 का। अरे नागेश थोड़ी शांति कर ले भाई, तेरे मन में बहुत आग लगी है, थोड़ा रुक जाए एक बार। एक तो ये बीच में जो आंसर देते हैं ना दुनिया, ये समझते हैं कि हमसे होशियार कोई नहीं है बेटा, इसमें बड़ी अपने को समस्या होती है बेटा। अगर आप लोग बेटा बहुत होशियार है ना तो प्लीज घर पे आराम करो यार बेटा, परेशान मत करो प्लीज। मैं चीजें बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, अजीब बालक है। 74 और 65 का बताओ बेटा अंतर 9 बनना चाहिए क्या? 9, सब लोगों के मैथ स्ट्रांग नहीं होती ना बेटा। अब तुम्हें छोटी सी बात ये बता दो, अगर इधर देखो 3 का 9, 3 गुना लिखा, 3 गुना 3 times, तो अगर इधर 15 आना चाहिए क्या? अगर इधर 15 आएगा तभी तो 5:3 बन सकता है ना भाई, सीधी सी बात है। अगर 3 का पार्ट इधर 9 लिखा हुआ है तो ये भी 15 बनेगा। आपने कहा जी हां सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये 15 कैसे आया होगा? ये 15 इन दोनों का डिफरेंस ही तो आया होगा, ये 15 इन दोनों का डिफरेंस ही तो आया होगा। आपने कहा जी हां, लेकिन भूले से भी आप 80 मत कर दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पे 50 आएगा। आपने कहा सर हमें कैसे पता? तो जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आती है, मीन वैल्यू इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करती है। अगर तुमने 1.74 था और इधर तुमने 80 मान लिया तो क्या पूरी क्लास में 65 बन सकता है क्या? आपको भी संभव ही नहीं है सर। तो बेटा एक संख्या अगर 65 से बड़ी है दूसरी संख्या 65 से छोटी आनी चाहिए। सताक्षी विजय आपको समझ में आया, आपने आंसर लिख दिया था। एक अगर संख्या 65 से बड़ी है ना तो दूसरी संख्या 65 से छोटी आनी चाहिए। और देखो जी इस बात में कोई डाउट नहीं है बच्चों, अगर इधर वाली संख्या होती ना 66 तो मैं इधर 80 कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यानी पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा रिवर्स ऑर्डर है और कोई दिक्कत नहीं है।
कई बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कईयों को हल्का फुल्का डाउट होगा, जिनको डाउट है वो एक बार और देखें। अपनी क्लास में हमने दो प्रकार की, एक बार बेटा तीन बार और करवाऊंगा, ध्यान से देखो। आज एलिगेशन का कंसेप्ट चल रहा है, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो सवाल जाएंगे गोली की चोट से, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल बच्चे को समझ कभी आ ही नहीं सकता। तुम बाजार में गए, उसने दुकानदार ने कहा, बोला ये वाली चाय पत्ती 70 रुपए पर केजी है। आपने कहा अरे वाह, ये वाली चाय पत्ती क्या है, तुम्हें इसका रेट नहीं पता, तुम्हें इसका प्राइस नहीं पता, भगवान जाने इसका क्या रेट है। लेकिन जब आपने इन दोनों चाय पत्ती की, जब आपने इन दोनों चाय पत्ती की 5:3 की, 5:3 ये बताओ, सेम बताओ, 3:2 की क्वांटिटी मिलाई, ध्यान देना, जब तुमने इन दोनों चाय पत्ती की 3:2 की क्वांटिटी मिलाई, इतनी मात्रा मिलाई, तो आपको जो एवरेज रेट आया ना बच्चों, एवरेज रेट आया वो 80 रुपए पर केजी का आ गया। आ गई बात समझ में, वो तुम्हें 80 रुपए पर केजी का आ गया। तो सवाल ये बनता है कि बी वाली चाय पत्ती का रेट क्या था। आपको क्या करना है, इतना फास्ट काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस बनता है 10। दोस्तों इधर अगर 10 था तो क्या इधर 15 आना चाहिए क्या? दोस्तों तभी तो अनुपात 3:2 बन सकता है। ये 15 लिखना आप सबको समझ में आया क्या? ये 15 कैसे आया आप सबको पल्ले पड़ा क्या? अब तुम सबसे जरूरी पॉइंट देखना, सबसे जरूरी, अरे 65 वालों थोड़ा सुकून ले लो, थोड़ा सबर कर लो, थोड़ा मन में वेट कर लो एक बार। अजीब आदमी है यार ये लोग। ए वाली चाय पत्ती का रेट 80 रुपए से कम है ना, तो बी वाली चाय पत्ती का रेट बोलो 80 रुपए से कम आएगा या ज्यादा? अरे बेटा ये 80 जो है ना, ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू मेरे भाई, तो इसका रेट 95 रुपए आएगा। क्या आई बात समझ में? पेपर में तुमसे दोनों का कोई भी रेट पूछ सकता है, पेपर में दोनों का तुमसे कोई भी रेट पूछ सकता है भाई। तो मैंने, अरे 95 क्यों नहीं मानोगे आप मुझे बताओ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ये होती है मीन वैल्यू, ये होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब ये होता है इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में, इन दोनों के कहीं ना कहीं मध्य में, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में। तो दोस्तों अगर इधर 15 है, अगर इधर 15 है, तो आप ये समझो इनका अंतर अगर 15 है तो ऊपर 95 आना चाहिए ना, ऊपर 95 ही आना चाहिए ना। जो लोग 65 कह रहे हैं, आप समझो 70 और 65 का एवरेज, इनके बीच में संख्या 80 कभी एग्जिस्ट कर सकती है क्या? क्या 80 कभी यहां पे आ सकता है क्या? तुम एक चाय पत्ती लाए 70 रुपए वाली, एक चाय पत्ती लाए 65 रुपए वाली, अरे कॉमन सेंस की बात है, जो एवरेज रेट आएगा वो कभी 80 हो सकता है क्या? ये तो संभव ही नहीं है। आप जरा समझ के चलो, अगर यहां 95 होता तो ये बात बन सकती है। देखो भैया मैथ का कंसेप्ट एक अलग बात है, रूटीन लाइफ पर लेके चलो ना यार। तुम बाजार में जाते हो चाय पत्ती लेने, एक चाय 70 रुपए किलोग्राम की, एक चाय 65 रुपए किलोग्राम की, क्या तुम्हारा टोटल खर्चा 80 रुपए के हिसाब से हो सकता है क्या? क्या तुम्हारा टोटल एक्सपेंस कभी 80 रुपए के अकॉर्डिंग हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है भाई साहब। गणित करो साइड में, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस बचा, गणित हमारे दैनिक जीवन में समाई हुई है, अगर आप वहीं से इनको समझो तो। एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो भाई, मैं नहीं चाहता कि कल को जब मैं सवाल करूं ना तो तुमको किसी बात की समस्या आए, ठीक है बच्चों? ये वाली चाय पत्ती है ना, मेरे को पता नहीं भाई साहब किस रेट की है चाय पत्ती, क्यों इसमें कुछ और मान लो, आपने कोई और चीज मानी, सिद्धू पाजी बेटा हम पढ़ लेते हैं प्लीज, आप ये
एक्स्ट्रा ज्ञान मत बांटो, 70+95/2 कर लो, ये सब हमें नहीं आता मेरे भाई, आप प्लीज पढ़ लो। ठीक, ए वाली चायपत्ती क्या मान लो, चीनी मान लो, कुछ मान लो, इसका रेट क्या है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन भाई साहब इसका रेट मुझे पता है 50 रुपए पर केजी है, 50 रुपए पर केजी है, ये मुझे पता है। जब मैंने इसको मिक्स किया, मैंने दोनों वैरायटी को मिक्स किया ना, तो मेरा एवरेज रेट जो निकल कर आया वो 65 रुपए पर केजी का आया, मेरा एवरेज रेट निकल कर आया वो 65 रुपए का आया। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने जो ए वाली वैरायटी ली है ना, उसका रेट 65 से ज्यादा है, हमने जो ए वाली चीज उठाई है ना उसका रेट 65 से ज्यादा है। अरे मेरे भाई इसका तो रेट 50 रुपए था, एवरेज का रेट 65 निकल के जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रेट 65 से ऊपर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई, ये बात बुद्धि में आई तुम्हारे? अब हमको एग्जामिनर कहता है कि इनको तुमने 3:5 में मिलाया था, अब तुमको एग्जामिनर कहता है 3:5 में मिलाया था, तो बच्चों आप एक बात समझो जी, इधर 15 आना चाहिए क्या इनका डिफरेंस? हाँ, इधर अगर 15 है तो इधर वाली जगह पे 25 आना चाहिए क्या? अरे तभी तो 3:5 बन पाएगा। हाँ, तो इसका रेट 65 और 25 90 रुपए पर केजी आना चाहिए क्या? बोलो ये बात समझ में आई तुम्हें? अभी तक मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं, दो चीजें कौन कौन सी सिखाई हैं, एक तो मैंने तुम्हें मान लो इसका रेट बता दिया, इसका रेट बता दिया, इसका रेट बता दिया, तो आप इनकी क्वांटिटी का रेशो ज्ञात कर सकते हो बच्चों, क्वांटिटी का रेशो आप फाइंड कर सकते हो, है ना? बिल्कुल। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाई है कि अगर तुम्हें ये चीज का रेट नहीं पता, इसका रेट पता है, एवरेज का रेट पता है, रेशो तुम्हें पता है, तो दोस्तों आप इसको फाइंड कर सकते हो, इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको फाइंड करते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आरती तुमने 50 और 65 का अंतर लिया, 15 आया, अब ये कहता 3 की वैल्यू अगर 15 है तो क्या 5 की वैल्यू 25 नहीं आएगी क्या? अरे इधर 15 है, इधर मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन इतना पता है इनका अनुपात 3:5 है, तो कॉमन सेंस की बात है इधर 25 नहीं आएगा क्या? क्लास में जब कंसेप्ट सिखाते हैं तो इस वाली बात पे पूर्ण ध्यान रखा करें। क्या बच्चों ये दोनों बातें आपको क्लियर आ गई ना? ऊपर वाली दो चीज में से कोई एक चीज मिसिंग हो तो उसको ज्ञात करना आपके लिए आसान है। अब बाकी मैं इतने सवाल तुम्हें करवाऊंगा, आप जानते हैं मैं आपको इतने सवाल करवाते हैं कि डाउट नाम की चीज कभी बचती नहीं है, डाउट होता क्या है ये तुम्हारे आसपास बात फटकेगी नहीं, आप समझते जाओ। और अब जो मैं आपको स्टेप नंबर 3 पे लेके चल रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टेप नंबर 3 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप अपना पेन कॉपी छोड़ दीजिए, जब तक मैं ना बोलूं किसी प्रकार का कमेंट मत कीजिएगा, कमेंटबाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना। हमें यह बताया कि मैंने ना एक बार चाय पत्ती खरीदने का बड़ा मन करता है बार बार, चलो चाय पत्ती मान लेते हैं, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, ये दोस्तों चाय पत्ती अपने लिए 70 रुपए पर केजी, एक चाय पत्ती मैंने और ली है 90 रुपए पर केजी, या 100 रुपए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, बीच में उत्तर मत दीजिएगा किसी प्रकार का। मैंने इन दोनों चाय पत्ती को दोस्तों मैंने इन दोनों चाय पत्ती को 2:1 में मिक्स कर दिया, 2:1 में मैंने इनको मिला दिया, क्या बताया, 70 रुपए वाली चाय और 100 रुपए वाली चाय
मैंने 2:1 में मर्ज कर दी, मतलब ये वाली चाय मैं अगर 2 किलो लाया तो ये वाली चाय मैं 1 किलो लाया। एग्जामिनर हमसे पूछता है, बताओ भैया तुम्हारा मीन वैल्यू, तुम्हारा जो रेट है ना, एवरेज रेट है, वो क्या पड़ेगा। ये वाली वैल्यू हमसे पूछी जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब आपको दोनों चीजों के रेट पता है, आपको मिलाई गई मात्रा भी पता है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मीन वैल्यू। दोस्तों इतनी बात तो तुमको पता है ना, ये तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है अब, कि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 70 और 100 के कहीं ना कहीं बीच में आएगी। 70 और 100 के कहीं ना कहीं बीच में आएगी। 70 से कम नहीं हो सकती, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये ज्ञात करने के हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जो मेरा मेथड नंबर 1 है, आप उसको सीखें पहले। मेथड नंबर 1 को सीखें पहले, क्या है इसका नाम होता है वेटेड एवरेज। दोस्तों इसका नाम होता है वेटेड एवरेज। क्या मतलब है वेटेड एवरेज का, क्या मतलब है वेटेड एवरेज का, जरा एक बार समझें। आप यही मान लो कि 70 रुपए वाली चाय आपने 2 किलो इस्तेमाल किए। अरे वेटेड एवरेज, वेटेड वेटेड बेटा वर्ड है, तुलनात्मक औसत, ऐसा मानो तुलनात्मक औसत, ठीक है। इतनी हिंदी पढ़ोगे कैसे एग्जाम पास करोगे, एवरेज वर्ड नहीं पता, एवरेज औसत। 70 रुपए वाली चाय बेटा तुमने अगर 2 किलो खरीदी, 2 किलो, तो क्या इतना खर्चा आएगा। 70 रुपए वाली चाय 2 किलो, अच्छा 100 रुपए वाली चाय तुमने 1 किलो खरीदी तो कितना खर्चा आएगा। इतने खर्चे में टोटल तुम्हें 3 किलो चाय पत्ती मिल गई क्या। भाई देखो 70 रुपए वाली चाय 2 किलो, 100 रुपए वाली चाय 1 किलो, टोटल हमें 3 किलो चाय मिल गई। तो मैं ऐसा ज्ञात कर सकता हूं ना कि 140 प्लस 100/3, सर 240/3 यानी कि 80 रुपए की एवरेज पड़ गई, 80 रुपए पर केजी की एवरेज पड़ गई। ये अपना एक पहला कंसेप्ट है जिसका नाम होता है वेटेड एवरेज। क्या बताओ भाई, वेटेड एवरेज आपको समझ में आया क्या। हालांकि मैं ये तरीका 3-4 बार रिपीट करूंगा, ये तरीका हमने 3-4 बार बताएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। नहीं, ये तरीका बड़ा फर्जी है, इसका हम आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर ये आपको आना चाहिए। कई बार डेटा ऐसा आ जाता है कि हमें यही लगाना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा जो तरीका है ना, आप ये समझिएगा, सेकंड वाला मेथड है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको समझ दो, तो अगर ये तुम्हारी समझ में आएगा तुम यकीनन सिलेक्शन लेके जाओगे, देख लेना। क्या करना भाई साहब, आप ये जानते हो क्या, इसका रेट 70 रुपए है, इसका रेट 100 रुपए है। बेटा इन दोनों के रेट में कितना अंतर है भाई, इन दोनों के प्राइस में कितना अंतर है, इन दोनों के प्राइस में अंतर है 30 का, इन दोनों के प्राइस में अंतर है 30 का, इन दोनों के रेट में 30 रुपए का अंतर है। जनाब इस 30 को तुम 2:1 में डिवाइड कर दो, इस 30 को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो क्या 20 और 10 हो जाएगा क्या। बोलो 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 बोलो। आपने कहा सर इस कायदे से तो इधर 20 इधर 10 आना चाहिए। अब जरा मेरी बात समझिएगा, अब आपका सवाल देखो बन चुका है। दोस्तों इधर 100 है, इधर 20 है, तो क्या बताओ इधर 80 आना चाहिए क्या। भाई 100 में से और 80 का अंतर लूंगा तभी तो 20 आएगा, और देखो 70 और 80 का अंतर भी 10 निकल के आ रहा है, तो इससे डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर आ गया 80। उसमें हमने इतनी कैलकुलेशन करी थी, ये कैलकुलेशन करने का आपका टाइम बच गया क्या,
क्या कैलकुलेशन करने का आपका मामला समझ में आ गया? अब तुम्हें वेटेड एवरेज बड़ा बेकार लग रहा होगा, ये बड़ा इजी लग रहा होगा, 30 को 2:1 में बांट दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको तरीके सारे आने चाहिए, आपको रेट सारे आने चाहिए, आपको मेथड सारे आने चाहिए। जो बालक कोई एक बात का आदि बन जाता है ना, वो पेपर में चीजें कर नहीं पाता, वो एग्जाम में सवाल कर नहीं पाता। मैं तुम्हें ये सवाल 50 बार करवाऊंगा, तुम बस देखते जाओ, तुम्हें मैं सवाल ये 50 बार करवाऊंगा, तुम देखते जाओ भैया, चिंता मत करो, बस एक बार मेरे साथ साथ चलो। बीच में जो फालतू कमेंट करते हैं ना, यहीं से सारा माहौल बिगड़ता है। राबी क्या मैंने ये बताया नहीं था 30 कैसे आया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भैया? या तो तुम जानबूझ के क्लास का माहौल खराब करने आते हो, और या तुम बेटा क्लास में ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, तुम ध्यान से देखते ही नहीं हो। मैंने बड़े अच्छे से बताया था, बड़े अच्छे से बताया था, लेकिन ये ऐसा कैसे संभव है कि आपको सुनाई नहीं पड़ा? क्या मैंने ये हाईलाइट कर करके बताया था भैया? या तो तुम क्लास को बीच बीच में बंद कर देते हो, फिर तुम्हारा जब मन करता है ना कि हाँ अब जाके पूछता हूं सर ये आपने कैसे किया था भाई, तो मास्टर तुम्हें बताएगा तुमने ऐसे किया था। वो भैया ऐसा काम नहीं होता है, प्लीज, नेटवर्क इश्यू। तो भैया नेटवर्क इश्यू मेरा फॉल्ट थोड़ी है यार, बाद में रिकॉर्डिंग चेक करना, किसी बात में दिक्कत है तो यार। थर्ड क्लास, ये जो थर्ड तरीका है ना, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप एक बात समझो, अगर कोई प्लेयर, अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का एक अच्छा बैट्समैन क्या होता है? एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जिसको अलग अलग बॉल पर अलग अलग बैट घुमाने का आइडिया होता है। देखो भैया सारे, अगर मान लो कोई प्लेयर है वो ऐसे बैट तो कोई घुमा देगा, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन वो है ना, उसको सिखाया जाता है कि भैया बॉल यॉर्कर आए ना तो ये काम करना, अगर बॉल फुलटोस आए ना तो ये काम करना, बॉल वाइड में जाए तो ये काम करना, बॉल लाइक पैरों पे आए तो ये काम करना। तो वो एक तरीका होता है। वैसे मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूं, ठीक है? पेपर में डिपेंड करता है जी डेटा पर तरीका कौन सा लगाऊंगा, सब सिखाऊंगा आपको, तीनों तरीके आएंगे तो ही कामयाब हो। अगर आप किसी एक तरीके के पीछे पड़ जाओगे तो आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते, ठीक है? तो जो तो तीसरा तरीका है ना, तीसरे वाला, इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। अब बालक बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, बेटा हिंदी में कोई नाम नहीं है, हिंदी में बोलते हैं तीसरा तरीका, ठीक है? डेविएशन मेथड नाम दिया हुआ है, आप बोल दीजिएगा ये तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड है। पहला है वेटेड एवरेज, दूसरा है अपना डिफेंस वाला, और तीसरा है डेविएशन। दोस्तों आप मेरी लैंग्वेज को समझना, मैं आपको ये 10 बार करके बताऊंगा सवाल, 10 बार क्या है समझो। सवाल था इधर 70 है इधर 100 है, क्वांटिटी 2:1 में है, तो पूछा गया जी बीच में कितना आएगा। दोस्तों तरीका ये है, तुम ना 70 और 100 के बीच की कोई भी संख्या मान लो, 70 और 100 के बीच की जो तुम्हारा मन करे वो संख्या मान लो। एक बालक कह रहा है जी मैं 75 मान लिया, मैंने 75 मान लिया, ये लो। अब कई नालायक होंगे सर 97.8 मान ले, तो कैलकुलेशन को टफ करना जरूरी है? हम अपने हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन, जहां पर अपने कम से कम होगा हम वो वाला काम करेंगे ना बेटा, अपना काम होना चाहिए कैलकुलेशन से बचाव करना है, ठीक है? सुनो अब आप मुझे बताओ, मैंने तो एवरेज मान लिया 75, 70 इससे कम है क्या? कितना कम है? 5 बेटा, कितना कम है? 5। ये 5-5 कम है 2 बार, देखो बेटा 5-5 कम है 2 बार, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है ना, 5-5 कम है 2 बार, तो आपने लिख दिया -10। देखो 5 कम था, 2 बार कम था, आपने लिख दिया 10। आई बात समझ में? आ गई। 100 जो है वो 75 से 25 ज्यादा है क्या? अरे बताओ 25 ज्यादा है क्या? कितनी बार आपने कहा जी एक बार 25 ज्यादा है, तो मैंने +25 कर दिया, ठीक है?
ये जो डेविएशन आया ना, इसको तुम टोटल में बांट दो, इसको तुम तीन में बांट दो बेटा। ये जो डेविएशन आया ना, इसको तुम तीन में डिवाइड कर दो। मेरी बात समझना बेटा, 75 तो था ही, 25 प्लस का, 10 माइनस का, क्या प्लस में 15/3 बचेगा क्या? 15/3 बचेगा क्या? 15/3 का मतलब 5 होता है दोस्तों, और ये टोटल आपका फिर से 80 आ गया क्या? तीन अलग अलग मार्ग पर चल के बताया मैंने, तीन अलग अलग प्रकार से चल के बताया। क्या तीनों बार ही आपका उत्तर 80 आ रहा है? तीनों बार ही आंसर आपका 80 आ रहा है? मैं ये पूरा कंसेप्ट एक बार रिपीट करना चाहता हूं, प्लीज आपसे विनती है, कोई भी बीच में उत्तर ना बताएं। ये अपना स्टेप नंबर 3 चल रहा है, ये अपना स्टेप नंबर 3 चल रहा है, आप समझो। अरे मेरी बात को समझो तो सही यार, मैं कह रहा हूं, मैं 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, सर क्यों करेंगे सर ऐसे? अरे मेरी बात तो समझ ले भाई, जब मैं कहूं कि अब मेरे कंसेप्ट पूरे हो गए, अब तुम डाउट पूछ तो पूछ लेना यार, यही तुम्हारे साथ समस्या है। तभी तो तुम्हें कोई मास्टर ढंग से पढ़ाना नहीं चाहता, तभी तो तुम्हें कोई ढंग से पढ़ाए ना तो तुम्हारे बेटा हजम नहीं होता। पेशेंस नाम की चीज नहीं है एक मिनट के यार। ये सोचते हैं कि अभी मैथ पढ़ने लग गए ना तो 10 मिनट के बाद में मैथ के मास्टर बन जाएंगे हम। अरे यार थोड़ा समझ तो लो यार, थोड़ा ध्यान दे लो बातों को। एक क्लास में मैंने माना बॉयज का जो एवरेज वेट है ना वो 78 kg है, 78 किलो लड़कों का एवरेज भार है, एवरेज लड़कियों का एवरेज भार तुम मान लो 50 kg है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो 4:3 है। पूरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4:3 है। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे एवरेज चाहिए, ठीक है? उत्तर कोई नहीं बताएगा साहब, अब की बार ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा तो। फिलहाल बता दो मुझे, क्वेश्चन तो क्लियर है सबको, बॉयज का वेट दिया है, गर्ल्स का वेट दिया है, रेशो दिया है, एवरेज चाहिए। दोस्तों मेरा मेथड नंबर 1 आता है, तरीका नंबर 1 आता है, जिसका नाम है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? मैं मानता हूं 78 किलो वाले 4 लड़के हैं क्लास में, 50 किलो वाली क्लास में 3 लड़कियां हैं, टोटल क्लास में 7 बच्चे हैं, मैं ऐसा एवरेज निकाल रहा हूं क्या? 78 वाले 4, 50 वाले 3, इनको टोटल टोटल से भाग करना है, 7 से भाग कर दीजिएगा। 8 चौक 32 का 2 कैरी 3 कैरी, सॉरी 312 तो ये हो गया बेटा, प्लस 150 ये हो गया, 7 से भाग करना, 462/7 करना है, 7 6 42, 7 6 42, 66 kg आ गया। क्या बताओ ये बात क्लियर हुई? लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ये तो बेटा रेशो 4:3 का था, 4:3 को आपने जल्दी से गुणा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यही सवाल में अगर ये 14 होता, ये 13 होता तो क्या होता? हमें 78 × 13 करना पड़ता, फिर 50 × 14 करना पड़ता, फिर 27 से डिवाइड करना पड़ता। तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग बातें बन जाती है, सवाल लेंदी बन जाता है, ठीक है? अब समझना मेरा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका मुझे कहता कि 78 और 50 का अंतर निकालो। अंतर दोस्तों इनका आ रहा है 28, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं 28 को 4:3 में डिवाइड करो। दोस्तों जब तुम 4:3 में डिवाइड करोगे तो 16 और 12 आएगा। ये चीज तो मैंने आपको रेशियो के बड़े स्टार्टिंग में बताई थी कि 28 को 4:3 में डिवाइड करेंगे, 16 12 आएगा। बोलो मजा आ रहा है सवाल करने में? अब तुम्हें ना देखो ये बात माइंड में पता लग गई कि इस पॉइंट पे आना चाहिए 16 और इस पॉइंट पे आना चाहिए 12, बेटा
इधर वाले पे 16 है, इधर वाले पे 12 है। तो जनाब आपको ये पता है ना कि मीन वैल्यू जो आएगा, मीन वैल्यू वो 50 से तो बड़ा और 78 से छोटा आएगा। आपने कहा हाँ, तो चाहो तो तुम 50 में 16 जोड़ लो, 50 में 16 जोड़ोगे तो भी 66 आएगा, 78 में से 12 कम करोगे तो भी 66 आएगा। तब भी दोस्तों आपके सवाल का उत्तर 66 केजी आ रहा है क्या? सेकेंड वाला तरीका बताओ, अब आपको समझ में आया। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंस को रेशो में बांट दो, बीच की संख्या दोनों ओर पे सेटिस्फाइड करेगी। 50 में 16 जोड़ लो या 78 में 12 कम कर लो, दोनों ही केस में आपका उत्तर आएगा 66, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ तरीके नंबर 3 पे, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। दोस्तों डेविएशन में मैंने देखो आपको ये कहा था, ये 78 है, ये 50 है, इनका अनुपात 4:3 है और ये वाली चीज आपको चाहिए, ये है ना। तो मैंने आपको ये समझाया, मैंने आपको ये बताया कि आप ना 78 और 50 के बीच में कोई भी संख्या मान लो जो आपका मन करे वो। एक बालक कह रहा जी 60 मानेंगे, आप 60 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 मानने का मन कर रहे हैं, आप 60 कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। आप मुझे बताओ 78 जो है, 78 ये 60 से 18 ज्यादा है क्या? 18 ज्यादा है, कितनी बार? 4 बार, 4 बार ज्यादा है दोस्तों। तो 18 गुणा 4 आ गया 72, मैं लिखूंगा प्लस का 72। अगर ज्यादा है ना ज्यादा, तो आप करना प्लस का 72, ठीक है दोस्तों। ये 50 60 में से 10 कम है क्या? अरे बोलो 10 कम है क्या? कितनी बार कम है? आप कहना जी 3 बार, 10 कम है 3 बार। इसमें तुम 7 का डिवाइड कर दो, ये टोटल तुम 4 और 3 7 है ना, 7 में डिवाइड कर दो। अब दोस्तों 60 प्लस क्या 42/7 बन गया, और इसका मतलब 6 होता है दोस्तों, 6, 60 और 6 कितना हो गया? 66। फिर से तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया 66। 3 अलग अलग तरीके बताए हैं भाई साहब, तीनों बड़े प्यार से समझाए हैं, तीनों बड़ी तबीयत से समझाए हैं। अगर आंखें खोलकर देख रहे हो सवाल, तो आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। मैं फिर कहता हूं जी, अगर कोई बालक किसी एक तरीके के पीछे पड़ जाएगा ना, तो वो हो सकता है एग्जाम में थोड़ा परेशान हो। अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस वो है जो बालक तीनों चीजों को साथ लेके चलेगा, तीनों बातें अपने माइंड में लेके चलेगा, तीनों चीजें अपने बात में अपने माइंड में साथ लेके चलेगा। आप फिर से एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको एक सवाल और करवाना चाहता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं बच्चों। ये इस प्रकार का अपना थर्ड स्टेप का आखिरी सवाल होगा। ए और बी है, ए और बी है, ध्यान बेटा क्लास में है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता है बेटा। एक बात बता दो, आप लोगों ने ना प्लेटफॉर्म पर मैथ खूब पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, मतलब मैथ मैथ के प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 मास्टर होंगे। आप किसी की एलिगेशन की क्लास उठाकर देख लेना, किसी ने इस कंसेप्ट को इतना डिटेल में इतना बताया, आप मुझे बताइएगा। अगर आपको अब भी बातें पल्ले नहीं पड़ रही ना बेटा, फिर मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता यार बेटा। मैं तुम्हें एक सवाल चार चार बार करके बता रहा हूं, फिर भी तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रहा ना बेटा, तो फिर इसके आगे मेरे बस की बात नहीं है भाई, इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे भाई। डाउट इसलिए है कि इनकी क्लास में इनका इनका बेटा मन नहीं है। एक्चुअल में जब तक आपका मन नहीं होगा ना, तब तक आप ये सवाल कर नहीं सकतेंगे। ए, आपने कोई वस्तु खरीदी, इसका रेट है 82 रुपए पर केजी। आपने मार्केट से एक वस्तु खरीदी, इसका रेट है 82 रुपए पर केजी, ठीक है, 82 रुपीज पर केजी। दोस्तों इसी के साथ में आपने एक वस्तु और खरीदी, मान लो इसका रेट है 47 रुपए पर केजी। मैं वैसे लिख रहा हूं संख्याएं, यूं ही मान मून के लिख रहा हूं, मेरा बस इतना सा कोशिश है कि संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये दोनों तुमने 4:3 में मिलाई है, 4:3 में मिलाई,
हम चाहते हैं ये मीन वैल्यू बता दो कितना आएगा। तरीका नंबर एक से चलता हूं जी, एक बताऊंगा, दो बताऊंगा, तीन बताऊंगा, तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं ये कंसेप्ट में। तरीका नंबर एक, 82 गुना चार करना है, ये होता है वेटेड एवरेज। 47 गुना तीन करना है और दोस्तों सात में डिवाइड करना है, इसका गुणा चार में, इसका तीन में, इसका सात में। देखो इस तरीके में कोई बुराई नहीं है बेटा, उत्तर एकदम सही आएगा, पर कई कई बार कैलकुलेशन ऐसी बन जाती है कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है, तब हमें ये तरीका अच्छा नहीं लगता और इसमें नुकसान कोई नहीं है। 320 और 328 प्लस 120, 141 बटा 7, तो दोस्तों ये हो गया 4, 6, 9 बटा 7, 7, 6, 42, 4, 9, 7, 7, 49, 69 आप सॉरी 67 आपके सवाल का उत्तर आ गया। 67 रुपीज पर केजी। तरीका नंबर एक क्लियर। इस तरीके की पॉजिटिव बात क्या है कि इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे नेगेटिव बात क्या है कि कैलकुलेशन कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाती है। ठीक है चलो, सेकंड वाले तरीके में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सुनो क्या है। सेकंड वाला तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। वो कहता कि 82 और 47 का डिफरेंस लो, इन दोनों का जब तुम डिफरेंस लेने जाओगे बच्चों तो तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 35। इस 35 को मैं 4:3 में जब डिवाइड करने जाऊंगा, इस 35 को जब 4:3 में बांटूंगा दोस्तों, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो क्या कि इधर आना चाहिए 20, इधर आना चाहिए 15। अरे बोलो 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 बोलो, हाँ है ना। तो ये 20 और 15, तो संख्या 47 से तो बड़ी और 82 से छोटी। अब या तो तुम 47 में 20 जोड़ लो, 47 में 20 जोड़ने का मन नहीं कर रहा तो 82 में से 15 कम कर लो, एक ही बात है। दोनों ही केस में आपका उत्तर 67 आएगा क्या, बोलो हाँ। अरे बोलो 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 बोलो। अच्छा जी, आपने कहा सर सेकंड वाला तरीका तो बड़ा सिंपल है, फिर इसको हम कब छोड़ेंगे समझना। अगर मेरा ये रेशो 4:5 होता, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, 4:5 होता, तो तुम 35 को 4:5 में इजिली तोड़ पाते क्या? तब जानकारियां अपने लिए टफ बन जाती बच्चों। 35 को मैं 4:5 में ब्रेक कर नहीं पाता ना बेटा, तो ये सवाल मेरे लिए क्या बन जाता, मुश्किल बन जाता। इसलिए आपको कई बार ऐसे मुकाम मिलेंगे कि टाइप नंबर दो आपको धोखा दे सकता है। ये मैंने आपको हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स बता दिया। तीसरा, ये तरीका कभी फेल नहीं हो सकता, कभी भी, कभी किसी कीमत पर यह तरीका नहीं चलेगा, फेल नहीं होगा। तो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल टाइप टू का और टाइप तीन का करेंगे। टाइप टू जब इजिली डिवाइड कर सकते हैं ना तो उसका करेंगे, जब कभी वो इजिली डिवाइड नहीं हो सकता तो टाइप तीन का यूज करेंगे, डेविएशन करेंगे। बेटा आप मुझे बताओ, मैं 82 और 47 के बीच में कोई संख्या मान लो, तो बच्चे कह रहे हैं 65 मान लो, ये मान लो, वो मान लो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं 47 ही मान लेता हूं, 47 ही मान लो। आपने कहा जी वो कैसे? ऐसा करने पर आपका कैलकुलेशन का एक स्टेप बच जाएगा। क्या बच जाएगा? देखो भाई, मुझे डिफरेंस देखना है ना, तो मैं 47 के जब मान रहा हूं तो ये चीज तो सेटिस्फाइड कर ही रही है, आपका माथा पच्ची करने का टाइम बच जाएगा। आप मुझे बताओ 82 कितना ज्यादा है इससे? आप कहना जी 82 इससे ज्यादा है 35। अरे बताओ बताओ, 35 ज्यादा है ना, 35 कितनी बार ज्यादा है, 35 कितनी बार ज्यादा है, 4 बार। तो 35 गुणा 4 आ गया 140। इस 140 को तुम 7 में बांट दो, इस 140 को 7 में बांट दो, कितना हो गया 20। तो 47 और 20 कितना हो गया, 67। खत्म।
एक बालक कहता, गुरुजी मैं तो कुछ और मानूंगा, मैं तो 47 नहीं मानूंगा, मैं तो 60 मानूंगा। मान लो किसने मना किया, 60 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। आपकी फ्रीडम है, आप वो मानो जिस पर कैलकुलेशन आसान हो। अगर कोई बालक 100 इसको 61.75 मानेगा ना, तब भी आंसर सही आएगा, तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी भाई। देखो 60 मानो, ये 22 ज्यादा है, 4 बार प्लस करना है 88। ये 13 कम है, 3 बार माइनस 39/7। दोस्तों 60 प्लस, इन दोनों का अंतर ले पाओगे क्या भैया? इन दोनों का अंतर ले पाओगे क्या? आप कहोगे सर इनका अंतर आएगा 49/7। तो जनाब 7 ये हो गया, 60 ये हो गया, 67। आपने कहा गुरु जी हम तो 82 मानेंगे। मान लो किसने मना किया है भाई? नवीन तुमने गलत किया होगा, तुम पागल हो यार, तुम नेगेटिव कैसे चलेगा? मजाक थोड़ी है, कोई मजाक चल जाएगा। 70 अगर तुम मान लोगे, 70 मान लोगे, ये 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, 4 बार ज्यादा है, प्लस करोगे 48 है। अगर तुम 12 करोगे, ये करोगे 48 ज्यादा, 47 कितना कम है? 23, 23 या 69 कम है, 7 बार काट देना। तो ये बन गया 69 माइनस 21/7, सॉरी 70 माइनस 70 है ना, 70 माइनस 21/7 3 होता है, उत्तर आ गया 67। इतनी बार तुमको मान मान के बता दिया, अब तो बात समझ में आ गई। कुछ भी मान लो भाई, फ्रीडम है, फ्रीडम है, कितनी भी बार मान लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको मिश्रण टॉपिक में 3 बातें बताई हैं, क्या तीनों? ये तो एक ही सवाल है। चले पहले जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, जो मैंने आपको फर्स्ट नियम बताया था, फर्स्ट नियम कि ये वाली चीज आपको दी जाए, ये दी जाए, ये दी जाए, और मैं आपसे इनका रेशो पूछूं, तो रेशो ज्ञात करने में कोई बुराई नहीं है। आपने कहा सर नहीं है। फिर मैंने कहा भी ये वाली चीज दे दी जाए, ये दे दिया जाए, इनका रेशो दे दिया जाए और एक का रेट गायब कर दिया जाए, ये बता पाओगे? आपने कहा जी बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों मैंने आपको तीसरी बात ये बोली, ये बता दे, ये बता दे, इनका बता दे और इसका पूछे मीन वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू ज्ञात करना ही इस टॉपिक का सबसे बड़ा खेल होता है। मीन वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करने के मैंने 3 तरीके सिखाए हैं, तीनों तरीके हमें आएंगे तो ही हम अपने आप को पेपर में कंफर्ट फील कर पाएंगे, हम तो ही अपने आप को अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों 1 घंटे का समय लगाकर मैंने आपको एलिगेशन का जो मेजर कंसेप्ट है ना, वो समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। सौ परसेंट समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अगर छोटा मोटा डाउट किसी का रह भी गया हो एक बार के लिए, कमेंट में कोई बात मत कीजिएगा, हम देखते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल का मिश्रण है जिसमें 30% अल्कोहल है, दूसरे वाले में 50% अल्कोहल है। तो हमसे कहा कि बताओ किस रेशो में इनको मिला दूं कि मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए। देखो बच्चों, एक में 30, एक में 50, मिश्रण में 45। दोस्तों इनका अंतर लोगे 5 आएगा, इनका अंतर लोगे बेटा 15 आएगा, क्या 1:3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा? कितनी देर में आप इसको सॉल्व कर पाए? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना भाई? जितने बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करके लिख दीजिए हेलो, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग हैं क्लास में। ऐसे मैं काउंट नहीं कर पाता, आपके कमेंट से अब काउंट कर लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, 100 के आसपास, 150। मतलब बच्चों देखो, आप ना कंटिन्यू क्लास में कमेंट नहीं करते हो, मत किया करो, लेकिन जब कोई डाउट आए जेन्युइन तब पूछा करें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझने पर ध्यान दोगे ना, तो
बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स वो क्लियर होंगे। अगर कोई अब देखो प्रॉब्लम, मतलब मेरे को सबसे यू कैन से इरिटेशन कहां होती है, सबसे अधिक प्रॉब्लम हम कहां फील करते हैं, कहां समस्या होती है हमें बेटा, कि अब मैंने आपको एक घंटा लगाकर मिश्रण के सारे कंसेप्ट सिखा दिए, सॉरी एलिगेशन के, कि एलिगेशन क्या होता है, कैसे बनता है, सब बता दिया। अब आगे जब सवाल करवाऊंगा ना, तो आगे एक बालक कूद के आएगा, कहेगा सर डिडंट अंडरस्टैंड, सर व्हाट इज मीन वैल्यू। मैं पूछूंगा भाई समझ में नहीं आया, कह रहा आई ज्वाइन रिसेंटली, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया सर, सो प्लीज रिपीट। फिर मैं बोलता हूं कि भाई ऐसे रिपीट नहीं होता, तो बालक कहता है इनमें बहुत ईगो है। अब इसे तुम ईगो का नाम मत दो ना यार, इसे तुम डिसिप्लिन का नाम दो, डिसिप्लिन का नाम दो बेटा। अगर ऐसे मैं बेटा हर एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, अगर एक दिन तो पता क्लास में क्या हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भाई, मैंने एक सवाल करवाया, मेरे को मतलब उस दिन, मतलब लिटरली बता रहा हूं, बड़ा दुख हुआ मेरे को अपनी, मतलब ये टीचिंग वाली प्रोफेशन पे ना बड़ा एक शर्म सी आई। एक दिन मैंने एक क्लास करवाई, एक क्वेश्चन करवाया, पूरा समझाया, आधा घंटा मत्था मारा, बच्चों को सवाल समझ में आ गया। कुछ देर बाद में एक बालक आता है, कह रहा गुरु जी इसके पहले वाला क्वेश्चन रिपीट करो। मैंने कमेंट नहीं पढ़ा उसका, दो तीन बार उसने रिपीट किया, बोला सर रिपीट करो रिपीट करो। मैंने कहा क्या हो गया, समझ में नहीं आया। कह रहा सर मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो 10 मिनट तक बात हो गई इसलिए मैं समझ नहीं पाया, सो काइंडली रिपीट। ओ भाई साहब मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा तुमने हमें समझ क्या रखा है भाई, है समझ क्या रखा है, मतलब तुम्हारा फोन आ गया था तो मास्टर होल्ड पे हो जाए, मास्टर रुक जाए अपनी जगह पे कि नहीं नहीं भाई सर का फोन आया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। अरे भाई गजब यार, तुम समझ क्या रखे हो भाई। फिर कह रहा है सर इसमें क्या बड़ी बात है, फोन तो आता ही है, आपका भी तो आता है। तो भाई आपका और मेरा फर्क है ना यार, आपका और मेरा फर्क ही तो है, तुम स्टूडेंट हो मैं टीचर हूं यार। अगर एक दिन टीचर क्लास में नहीं आएगा तो क्लास नहीं होगी, लेकिन स्टूडेंट नहीं आएगा तो क्लास तो होगी ना। भाई साहब मैं बड़ा मतलब परेशान हुआ। अब सुनिए, अब लगने को ये सवाल तुम्हें ब्याज का लगता है, आपको लगने को ये सवाल लगता है कि ब्याज का है। भाई साहब मैंने आपको पहले कहा था एलिगेशन इज अ कंसेप्ट, एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक। देखो ये ब्याज में भी काम आता है। लाला ने अरुण को 5% की दर से, भाटिया को 8% की दर से पैसा ब्याज पर दिया। जनाब आपने कुछ पैसा 5% की दर से उधार दिया, कुछ पैसा 8% की दर से दिया, एवरेज तुम्हें 6% का ब्याज मिला, 2:1 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बताओ एनटीपीसी में आया था। अब देखो कोई आदमी सोचेगा कि सर मैंने तो ब्याज ही नहीं पढ़ रखा, तो ये ब्याज का सवाल नहीं है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ब्याज की लैंग्वेज में दे दिया। एलिगेशन सब जगह चिपकेगा, हर एक टॉपिक में काम आएगा, मैं पूरी अर्थमेटिक में ही लेके चलूंगा। अब क्या होगा ना मेरे से दिक्कत, आप लोग जब आगे पढ़ो ना, आगे कोई ब्याज की क्लास में मैं ये काम करूं ना, तो आप घबराना मत, ये ऐसा होता है। अब देखो अगर किसी सवाल में मैं आपको ये दे दूंगा यू कि ये बताओ यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो आपको पता है सर इनका अंतर 3 है, इधर 2-1 है, इधर 6 तो आएगा। सब चीजें आसान है, सब चीजें इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में, खत्म बात। एक सेकंड में उत्तर दे पाओगे, ये 10 ये 15 2-3 उत्तर आ गया ऐसा एक सेकंड में है, है, है। 25 और 50 और 40 दोस्तों, ये 10 और ये 25, ये सॉरी 10 और 15 2:1, इतने सिंपल प्रकार के क्वेश्चन कर लें क्या, इतने सिंपल प्रकार के सवाल कर लें क्या, ये तो आप कर लोगे ना। अरे 3-2 कैसे बोल दोगे यार, 3-2 कैसे बोल दोगे, जब मैं आपको ये कहता आया हूं, बड़े प्यार से समझाता आया हूं है? कि इनका अंतर इधर आता है, इनका अंतर इधर आता है, ये 2 है और ये 3 है, यही बताओगे आप। हाँ मतलब ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना पेपर में, लोग इन्हें छोड़ के आते हैं भाई साहब, उनको एलिगेशन इतना सा भी नहीं आता,
और आप लोग क्या हवा में उड़ रहे हैं, कह रहे भाई साहब टफ सवाल कराओ गुरु जी, इजी करने का मन नहीं करता। भाई साहब लेवल देखो इनका, स्वैग देखो इनका, आप इजी इजी क्वेश्चन करने की मन में। अरे मेरे भाई 15 40 30 खत्म बात। बारह सोलह पंद्रह 1:3 आंसर आ गया। 12 रुपए 7 रुपए 8 रुपए दोस्तों 1:4 आंसर आ गया। आनंद आ गया, बोला गुरु जी गणित ऐसी होती है क्या, ऐसी मैथ होती है, इनसे नौकरी मिलती है। इंस्पेक्टर बनना कितना इजी काम है भाई, मुझे कई कई बार लगता है कि दुनिया का बड़ा आसान काम है इंस्पेक्टर बनना है। आप देख लो भाई, हेलो 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 हेलो। अरे बेटा मेरी गलती से वो यूएसबी केबल हिल गई थी यार, यूएसबी पोर्ट में ना, एक्चुअली लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट दो ही होते हैं, पर मेरे पास कैमरा पेन टैब माउस पांच चीज लगी हुई है, थोड़ा सा वो हिल गया था, थोड़ा इसमें टाइम लग गया, कोई बात नहीं। दोस्तों एक बार इस सवाल को पढ़ के बताओ, आपने मिक्सचर वाली क्लास में इस प्रकार के सवाल किए थे क्या? मिक्सचर में दोस्तों मैंने आपको पता है क्या बताया था, हैं? देखो मैंने आपको यह बताया था इस सवाल को करने का तरीका, और याद करो वो बात, किसी बच्चे को अगर याद होगी मैंने आपको कहा था कि मिश्रण के सवाल एक बार मिश्रण से कर लो, जब अगली क्लास आएगी तुम्हें इनका शॉर्टकट बताया जाएगा, तो अब वो समय आ गया दोस्तों शॉर्टकट का, है ना। सुनो 80 लीटर का एक मिश्रण है, 80 लीटर का दूध, इनमें 10% है दोस्तों, 1:9 है क्या? ये तुमने किया था मिश्रण वाली क्लास में। कह रहे पानी की मात्रा 80% बनाने के लिए कितना दूध डालना पड़ेगा, कितना दूध और डालूं कि पानी 80% हो जाए, यानी 8:2:1:4 बन जाए। ऐसी बातें आपने पढ़ी थी मिश्रण की क्लास में, मैंने कहा था कि आप जब दूध डाल रहे हो ना तो पानी को इक्वल कर लेना चाहिए, पानी को इक्वल कर लेना चाहिए, ऊपर वाले को 4 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 4:36। दोस्तों 4 से गुणा करके बोल दिया 4:36, नीचे वाले को 9 से गुणा कर दिया ये बन गया 9:36। क्या दोस्तों ये जो 80 है, 80 ये टोटल था, यानी 40 की वैल्यू है, दूध आपने 5 डाला है 5, क्या आपके सवाल का उत्तर 10 लीटर आया था? ये तो मिश्रण वाला कंसेप्ट हो गया। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करने की बात सीखिएगा, अब आप एलिगेशन से करने की बात सीखिएगा। बच्चों आप मुझे बता दो मिश्रण में तुम्हारे पास 10% दूध है क्या? मैं दूध पे लगा रहा हूं एलिगेशन, दूध पे। इसके अंदर आप डाल रहे हो प्योर मिल्क, देखो कितना दूध और डालें, जो बाकी का दूध डाल रहे हो उसमें 100% दूध है क्या? पहले मिश्रण में 10% था, इसके अंदर तुमने 100% दूध डाल दिया 100%, अब रिजल्टेंट में निकल कर आया 80% दूध, यही बात है क्या? सॉरी 20%, आई एम सॉरी, मिश्रण में 20% 80% पानी करना है, दूध 20 आएगा, 80 वाटर है, सॉरी, सही है भाई। अच्छा इनका डिफरेंस कितना आ गया? 80, इनका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों? 10। यानी ये अगर 80 लीटर था तो आपने 10 लीटर मिलाया, सीधी सी बात है, आपके सवाल का उत्तर आ गया सीधा सीधा। अरे बात समझ में आई तुम्हें? रुक जाओ 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 रुक जाओ।
सुनो, हम एक बार मिक्सर की शीट पे चलते हैं, आराम से रुको, चिंता मत करो। सुनो, ये सवाल तुमने उस टाइम किए थे मिश्रण से, एक बार अब समझो। तुम्हारे पास एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण है, इसमें पानी की मात्रा 10% है। देखो तुम्हारे पास पानी कितना है, पानी की मात्रा कितनी है, 10%, और टोटल तुम्हें मात्रा पता है 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी कितना है, 10% है, ठीक। इसमें कितना पानी मिलाया जाए बच्चों, जो इसके अंदर तुम पानी डालोगे, क्या वो प्योर पानी होगा, शुद्ध पानी होगा? शुद्ध पानी का मतलब वो 100% पानी ही तो है। अरे शुद्ध पानी का मतलब 100% पानी ही तो है, मैं पानी की बात करता हूं, पानी की। तो मिश्रण में मेरे को 20% पानी चाहिए, मिश्रण में मेरे को 20% पानी चाहिए, सीधी सी बात। दोस्तों इनका अंतर आ गया 80, इनका अंतर आ गया 10, यानी इनकी जो क्वांटिटी है ना, इनकी क्वांटिटी वो 8:1 में आएगी, इनकी मात्रा 8:1 में आएगी। दोस्तों सवाल कह रहा है ये 40 लीटर है, 5 गुना, तो ये भी 5 लीटर आएगा ना, 5 गुना। अगर ये 40 लीटर था तो ये 5 लीटर आएगा ना, 8:1। भाई इसकी मात्रा अगर 8 है तो इसकी 1, इसकी मात्रा 40 तो इसकी मात्रा 5 आ गई। ये सवाल तुमने उस टाइम मिक्सचर से किया था, आज तुम एलिगेशन से कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे पास एक नमूने में 20% मिलावट है। बेटा मैं मिलावट पर एलिगेशन कर रहा हूं, मिलावट पे ध्यान दीजिएगा। आप जिस चीज पे एलिगेशन लगाए ना, तो सारी टर्म उसकी आनी चाहिए। 20% आपके पास मिलावट है, टोटल कितनी क्वांटिटी है, 50 लीटर, ठीक है, ये मात्रा है 50 लीटर। अब आपने इसमें मिलाया ग्लिसरीन, बेटा जो शुद्ध ग्लिसरीन मिलाओगे उसमें क्या, अरे नहीं रे बालक, मैं मिलावट पे लगा रहा हूं यार, तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो। मेरे पास ग्लिसरीन के एक नमूने में 20% मिलावट है, तुमने इसमें ग्लिसरीन डाली, ग्लिसरीन डाली तो क्या मिला, ग्लिसरीन में मिलावट जीरो होगी क्या? रिजल्टेंट में मिलावट कितनी आएगी, 5 आएगी। रिजल्टेंट में मिलावट कितनी आएगी, 5 आएगी। दोस्तों इधर आएगा 5, इधर आएगा 15, ये आ जाएगा 1:3, मतलब ये अगर 50 लीटर था तो ये आएगा जी 150 लीटर। आप कॉपी चेक कर लो अपनी, जब हमने ये सवाल मिक्सचर से करवाया था तब इसका उत्तर 150 आया था, आज ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो रहा है तब भी उत्तर 150 ही आ रहा है बेटा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, तुम्हें याद है कि ये तरीका आसान पड़ रहा है उसे, कंपैरेटिवली ये तरीका उससे इजी पड़ रहा है, उसमें रेशियो इक्वल करने पड़ते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, इधर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गई बात समझ में? तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, सवाल को छोड़ दे। एक बार फिर समझो, 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में जिसमें दूध की मात्रा 10% है। देखो ऐसा है, आपको यह बताया गया आपके पास एक मिश्रण है, उसमें दूध की मात्रा 10% है और मिश्रण की मात्रा कितनी है, 80 लीटर, मात्रा कितनी है, 80 लीटर, ठीक। मैं बात कर रहा हूं दूध की, ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं दूध की, प्योर दूध की बात कर रहा हूं। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए? भैया जब तुम पानी मिलाओगे तो पानी में दूध का परसेंटेज जीरो होगा क्या? अरे जब तुम इसमें पानी मिला रहे हो तो पानी में दूध का परसेंटेज जीरो मानोगे क्या? और रिजल्टेंट में कितना चाहिए? रिजल्टेंट में 5 चाहिए मेरे भाई, रिजल्टेंट में 5 चाहिए। क्या दोस्तों, इनका अंतर 5, इनका अंतर 5, यानी 1:1 में आएगा क्या? आपने कहा दोस्तों इसकी मात्रा 80 लीटर होगी, तो ये वाली मात्रा भी आपको 80 मिलानी पड़ेगी क्या? ये 8 समझो, ये 8 समझो,
एलिगेशन बेटा जब दो चीजें मिक्स करते हैं तीसरी बनती है, एवरेज बनता है ना, तो एलिगेशन लग जाता है। आप सवाल करते जाओ, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एलिगेशन कब कब लगता है। सुनो, एक व्यापारी के पास 960 किलोग्राम चावल थे, ठीक है, उसने एक हिस्सा 20% के लाभ पर, शेष 8% पर बेच दिया, 12% पर। तुम भैया एक कमेंट को अगर 6 बार करोगे मैं कैसे बताऊं तुम्हें, 1:8, 1:2। अच्छा, अब इसने कहा भी टोटल क्वांटिटी दी है 960, तीन से काटूंगा, आप कहोगे कि ये वाली 320 है, ये 640 है। अरे ये क्वेश्चन सिर्फ मैं ही कर रहा हूं या आपको समझ में आ रहे हैं? अनन्या जी कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहे। बेटा फिर इसके ज्यादा बेटा आ भी नहीं सकते, बेटा इससे ऊपर समझ में फिर आ भी नहीं सकते। आज तुम्हें इस टॉपिक की शीट दे दे, दोस्तों जब ये सवाल करोगे तो मुझे बता दो एलिगेशन आपको दूध पे लगाना चाहिए क्या? आप समझो भैया तुम्हारे पास ना 120 लीटर एक मिश्रण है, 120 लीटर, इसमें दूध की मात्रा है 40%। दूध की मात्रा कितनी है? 40%। कितना और दूध मिलाएं? बेटा मिक्सर के अंदर तुम दूध मिला रहे हो तो दूध का परसेंटेज तो सो ही आता है ना भाई, दूध का परसेंटेज तो सो ही आता है ना। हाँ, और हमें चाहिए मिश्रण में 50% दूध हो जाए, मिश्रण में 50% दूध हो जाए। दोस्तों 5:1 बनना चाहिए क्या, मुझे बता दो भाई, इधर 50 इधर 10, 5:1 बनना चाहिए क्या? पांच का मतलब अगर 120 है दोस्तों, 5 का मतलब 120 है तो 1 का मतलब कितना, 24 आएगा क्या? एक बालक ने कहा कि सर कब दूध लगाना है कब पानी लगाना है, आपकी जो मर्जी आए वो लगा लो यार, आपकी जो मर्जी आए वो लगा लो। अरे रुचि तुम कैसी बात कर रही हो बेटा, एक मिल्क है बोतल के अंदर तो उसमें 100% मिल्क होगा क्या? अरे मिल्क के अंदर 100% मिल्क की तरह प्योर मिल्क है वो, अजीब है बालक। पानी, अगर आपने कहा कि सर मैं इस सवाल को पानी से करना चाहता हूं, अब बताओ तो समझो मिश्रण में 40% दूध है तो बच्चों 60% पानी होगा क्या? टोटल मात्रा तो 120 लीटर है, 120 लीटर है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो तुम दूध डाल रहे हो, दूध इसके अंदर तुम दूध डाल रहे हो तो पानी कितना, जीरो मानना पड़ेगा, जीरो। और रिजल्ट के अंदर ये 50% है, रिजल्ट के अंदर 50 दूध है 50 पानी है। दोस्तों अब भी बताओ अनुपात 5:1 ही बन रहा है क्या? ये वाली चीज अगर 120 है ये 24 तो आएगी। आपका जहां मन करे वहां सवाल सॉल्व कर लो, लेकिन चलना लॉजिकल, चलना तरीके से चलना भाई साहब, ऐसा ऐसा नहीं हो कि इधर दूध डाल रहे हो बीच में पानी डाल रहे हो, सारी इकाइयां सेम चलेंगी, सारी इकाइयां सेम चलेंगी। हां बेटा 120 मिक्सर है लेकिन स्टार्टिंग वाला है ये वाला मिक्सर है, इस 120 के अंदर तुम 24 लीटर ये मिलाओगे।
बड़े आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं ये। अरे ये ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना भाई, मैं तुम्हें ये भी सवाल करके बताऊं क्या? 300, 200, 225, ये 25, ये 75, ये 1, 3। कर पाएंगे सवाल ये? किताब में आई होंगी, वो तो कल तो फोन किया उसने, आज किसे जाएंगे देखते हैं। चलो 5 मिनट लगे क्लास के। हाँ भाई, एक टंकी 80 लीटर की टंकी है, दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें से आपने 70% तो दूध निकाला, 30% तुमने पानी निकाला, और मिश्रण मिश्रण में 55% खाली हो गया। देखो, 70% दूध निकाला, 30% पानी निकाला, पूरी टंकी का 55% खाली हो गया दोस्तों। ये 25 और ये 15, यानी कि 5:3। टंकी थी 80 लीटर की, टंकी थी 80 लीटर की, तो मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, मिल्क 50 है, वाटर 30 है। दोस्तों आज तुमने जो एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट किया है, व्हाट इज एलिगेशन, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन का कंसेप्ट क्या है, एलिगेशन का पॉइंट क्या है, क्या आपको ये एक बेसिक सा क्लियर हुआ क्या? देखो, हालांकि टॉपिक ये बहुत वाइड है, टॉपिक ये बहुत लंबा चौड़ा है, अभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे डिपेंड करना है काम, लेकिन एक होती है ना, यू कैन से लाइक आई कैन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब आपके माइंड में एक बात ये क्लियर हो जाए कि मिश्रण क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। मिश्रण एक अलग कहानी थी, एलिगेशन एक अलग कहानी है। हाँ बच्चे, कल भी आपकी क्लास है, चलिए एक बार और देखते हैं। अच्छा, ये सवाल भी आप करेंगे, आपके लिए सवाल है, ये सवाल भी आप कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कितने सवाल आप करोगे कल तक। क्वेश्चन देखें, दूध और पानी, ये सवाल कौन से हैं, इनमें ये हिरण बतख होते हैं ना, लैग नहीं था, रुक जाओ। अगर आपके पास पीडीएफ मिल जाए ना आपको, मुझे बोल दीजिएगा, मैंने एलिगेशन की फर्स्ट पीडीएफ अपलोड कर दी है, आ गई ना बच्चों। अब जितने सवाल आप क्लास में कर पाओ, ब्रेक मत मारना, जितने सवाल आप कर पाओ ना मैक्सिमम उतने कर लीजिएगा, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अब देखेंगे बाद में बेटा, ठीक है। पीडीएफ में बेटा क्वेश्चन तो यार कितने हैं मुझे याद नहीं है, देख लेता हूं कितने सवाल हैं, होंगे 100 के आसपास तो होंगे मेरे हिसाब से।
एलिगेशन की एक नंबर शीट में आपको जो सवाल दिए गए हैं बच्चे, वो आपके सवाल है जी पूरे 100। तो बच्चों अब आप ना इतना काम आज करो, फिर आपसे कल मिलते हैं दोपहर 2 बजे। कल दोपहर 2 बजे मिलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। आज का इतना ही काम करते हैं बेटा। नीचे एक कोरियर आया है, वो मुझे वेट कर रहे हैं, कोरियर वाले बुला रहे हैं, तो एक जाना पड़ेगा मुझे। तो आज का ऑफ ही कर लो, लास्ट में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ एलिगेशन समझ में आ रहा होगा, चीजें आसान बनेंगी बेटा। कल भी क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा, कल भी क्लास होगी।